अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड इन गुड हेल्थ। टुडे वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द आवर प्रीवियस टॉपिक लाइफ। मैंने आपको पहले ही बोला है कि उस लेसन जो हमने लाइफ पढ़ा था कि लाइफ इज़ अ डायलॉग बेस्ड ऑन द डोगरी ड्रामेटिक पोइम्स। द पोइम इज़ रिटन, जो पोइम जो है वो रिटन लिखी थी पद्मश्री रामनाथ शास्त्री ने, और जिसको जो जाने जाते थे फादर ऑफ डोगरी भी, और उसको जो है फिर जो है ट्रांसलेट किया है इंग्लिश बाय शिवनाथ। तो वही जो है यहाँ पे प्रोज में आई हुई है। तो यहाँ पे जो है द पासिंग विंड, जो यहाँ पे जो ये प्रोज जो है इसमें जो है विंड जो है वो क्वेश्चंस पूछती आ रही है वेरियस एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्स से। उनको क्या सवाल पूछती है, उनको ये पूछती है कि व्हाट इज़ लाइफ। वो पूछती है स्टार्स को, मून्स को, सन को, सॉरी द क्लाउड को, द ओशन, द अर्थ एंड ए लिटिल गर्ल। ईच ऑफ देम कम्स विद ए देयर डिफिनीशंस ऑफ लाइफ। हर एक की अपनी अपनी राय है, अपने अपने तरीके से वो बोलते हैं कि क्या है। बट व्हेन शी कम्स टू द लिटिल गर्ल, अप्रोचिंग द लिटिल गर्ल, द विंड गेट्स सो मच डिलाइटेड बाय द जेस्चर ऑफ द लिटिल गर्ल दैट शी फॉरगेट हर सेल्फ एंड जॉइन द लिटिल गर्ल इन द lighting up the lamps that were yearning to awake and were waiting to be lighted। तो जब वो लड़की से मिलती है, वो उसका जवाब सुनती है, तो बहुत delighted होती है, बहुत खुश हो जाती है उसके वो जवाब सुन के, और वो भूल जाती है कि बाकियों ने क्या कहा था, क्या वो उसके साथ वो जो दिए जला रही होती है, वो छोटी लड़की उसके साथ दिए जलाने लग जाती है ना। छोटी लड़की ने उसको क्या कहता, शी टेल्स द विंड दैट शी इज़ ओनली लाइटनिंग द लैंप्स दैट हैव ऑयल इन देम, ऑयल टू लिव, टू बर्न देम सेल्फ, टू हैव पेशेंस फॉर लाइफ। ये सिर्फ उन दियों को जलाती है जिनमें तेल है जीने के लिए, जिनमें जो है चाह है, जो अपने आप को जला के कुछ करना चाहते हैं, जिनमें पेशेंस है, जिनमें सब्र है, ठीक है ना। तो ये उन्हीं दियों को जलाती है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज What answer did the star give to the wind? Stars ने जो है विंड को क्या जवाब दिया? The answer is that since the stars have their own light, so they answered in their own way. They told the wind that they have their own light and with this light they shine the others to find their way. They are independent, life of dependence is no life, having their own light is life for them. तो स्टार्स ने क्या कहा कि लाइफ अपनी जो रोशनी होनी जो है वही उनके लिए ज़िंदगी है, डिपेंडेंस जो है वो कोई लाइफ नहीं है, इंडिपेंडेंट वो इंडिपेंडेंट है, उनको अपनी रोशनी है वही उनके लिए लाइफ है। और वो दूसरों को भी लाइट देते हैं, दूसरों को भी करा दे, शाइन द अदर्स टू फाइंड देम, वे चमकते हैं ताकि दूसरे जो लोग हैं वो राह ढूंढ सके, रास्ता उनको मिल सके। फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द मून रिप्लाई टू द विंड। मून ने क्या विंड को जवाब दिया जब विंड ने उसको पूछा कि व्हाट इज लाइफ। द मून रिप्लाइड दैट इट्स लाइफ इज नथिंग विदाउट स्टार बिकॉज इट्स बोरो इट लाइट फ्रॉम देम एंड दिस बोरोड लाइट इज अ कॉज ऑफ इट्स ब्लैक स्पॉट एंड इज लाइक अ शर्ड एनवलपिंग इट्स बॉडी ड्यू टू दिस इट्स लाइफ इज लाइक द लाफ्टर ऑफ विडो इट्स लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन अदर विच मेक्स इट फील लाइक अ लाइफलेस एंटिटी एंड चाइल्ड ऑफ द ओशन। तो मून ने क्या कहा कि उसकी जो ये लाइफ जो है ये एक उधारी है, ये जो लाइट जो है ये उधार है, ये जो उसके ऊपर दबे हैं ये उसी उधार वाली लाइट से जो उसने स्टार से ली हुई है ये उसकी वजह से है, और ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे उसकी बॉडी पे, जैसे किसी की बॉडी पे कफन लपेटा, ये लाइट बिल्कुल उसकी तरह है, ठीक है ना। और अगर वो हंसता भी है मून, वो बिल्कुल वैसी हंसी है जो एक बेवा होती है जो हज़ारों दुख छुपा के हंस रही होती है, बिल्कुल वैसी हंसी होती है। फिर जो है उसके बाद जो, और उसने कहा कि मैं, मेरे लिए यही है कि मैं चाइल्ड ऑफ ओशन हूँ, यही उसकी लाइफ है। वट वॉज द ओशन रिस्पॉन्स। उसके बाद जो विंड ओशन के पास जाती है और ओशन से पूछती है तो ओशन का क्या रिस्पॉन्स रहता है। द ओशन रिप्लाइड दैट द आइडिया ऑफ लाइफ इज टू रियलाइज वंस लिमिट्स एंड मेंटेन वंस डिग्निटी टू कंटेन ऑल बिटर एक्सपीरियंसेस एंड टेक देम एज पर्ल एंड रूबीज। लाइफ इज ऑल्सो एपरेंस और renunciations as if its ocean is the cause of someone's death
It's also regret it by giving them pearls and rain, because salty water of its create pearls and creates cloud full of rain. अब ऑप्शन ने क्या बोला कि लाइफ जो है वो ऐसी है, वो उसके अकॉर्डिंग ऐसी है कि एक को अपनी जो है अपनी हद पहचाननी चाहिए, अपनी जो है डिग्निटी, अपनी जो है ये क्या बोलते हैं इज्जत, अपना जो है रुतबा जो है वो देखना चाहिए अकॉर्डिंग टू ओशंस के. सब बोलते हैं कि बहुत सारे दुख होते हैं, बहुत सारे बिटर एक्सपीरियंस हैं, मगर उनको वो ऐसे लेती है कि वो जैसे मोती हैं, उसके आगे मोती हैं, पर्ल्स और रूबीज़ की तरह रहती है उनको, जो उसको वो बिटरनेस जो उसको उसकी ज़िंदगी में जो दुख वगैरह आते हैं. ठीक है, तो उसके लिए जो है लाइफ यही है. देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द अर्थ रिप्लाई टू द क्वेश्चन पुट फोर टू हर बाय द अर्थ विंड सॉरी. तो अर्थ की अब क्या रिप्लाई आती है. फॉर अर्थ द मीनिंग ऑफ लाइफ इज लव. अर्थ कंसिडर हरसेल्फ द मदर ऑफ ऑल लाइफ एंड सेज दैट द सिंपथी ऑफ द मदर इज अ गिफ्ट ऑफ लाइफ. अर्थ सेज दैट इट टेक्स वाटर फ्रॉम क्लाउड रिवर्स एंड स्ट्रीम्स एंड डिस्ट्रीब्यूट एवरी थिंग दैट स्प्राउट फ्रॉम इट. सो दिस टेकिंग एंड गिविंग इज फॉर लाइफ. तो अर्थ क्या बोलती है, वो बिल्कुल एक माँ की तरह है. वो माँ की तरह उसके लिए जो लाइफ है वो प्यार है, बिल्कुल वैसा जैसे माँ का प्यार होता है, जिसमें दर्द होता है, जिसमें ये हमदर्दी होती है, प्यार होता है उसके लिए लाइफ वही है. और वो उसको बोलती है कि और वो बोलती है कि इसके लिए जो लाइफ है वो टेकिंग और गिविंग, लेना और देना जो है वही उसके लिए लाइफ है. फिर क्योंकि वो जो उसको पानी मिलता है क्लाउड से मिलता है, रिवर स्ट्रीम से मिलता है, फिर वो उनको जो प्यासे जो होते हैं उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो इसीलिए उसके लिए लाइफ जो है वो टेकिंग एंड गिविंग है. फिर जो है वो विंड जो होती है वो जाती है किसके पास, लिटिल गर्ल पे नज़र पड़ती है उसके पास, और उसको पूछती है व्हाट वाज द लिटिल गर्ल डूइंग व्हेन द विंड सॉ हर. लिटिल गर्ल क्या कर रही थी. द लिटिल गर्ल वाज लाइटनिंग न्यू लैम्प्स विद द लैम्प दैट वाज ऑलरेडी अ लाइट इन हर हैंड. वो छोटी लड़की जो है वो दिए जला रही होती है उस दिए से जो पहले से जला होता है. व्हाई वाज द विंड इम्प्रेस्ड बाय द लिटिल गर्ल. द विंड वॉज इम्प्रेस्ड बाई द लिटिल गर्ल बिकॉज शी फाउंड द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ फ्राम द वर्ड्स दैट द गर्ल टोल्ड हर. द विंड अंडरस्टूड दैट हेल्पिंग दोज हु हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव इज द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ. विंड जो है वो इतनी इम्प्रेस हुई लड़की से क्योंकि उसने बोला कि जिंदगी जो है वही है, उसके अकॉर्डिंग वो है कि दूसरों को मदद करना, उनकी मदद करना जो खुद जो है बहुत चाह रखते हों, ज़बरदस्त चाह रखते हों अपनी मदद करने के लिए, जीने के लिए जो जो जीना चाहते हों उनकी मदद करना ही जो है लाइफ है. वाई डिड द विंड जॉइन द गर्ल. द विंड जॉइन द गर्ल बिकॉज शी वॉज इम्प्रेस्ड बाई द आंसर गिवन बाई हर. दस द विंड फॉरगेट एवरी थिंग एंड जॉइन हर. विंड ने जो है उस लड़की को ज्वाइन किया, वो बड़ी इम्प्रेस हुई उसके जवाब से और वो सब कुछ भूल गई और उसके साथ दिए जलाने लग गई. ठीक है, बाकी जो है ये सब क्वेश्चन आंसर जो है नीचे जो आपका ये ग्रामर वर्क है और वो जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके, ये सारे जो हैं आप अपनी नोट कॉपी पे करोगे. बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.